भाई जान, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, बड़ी शौक से आते हैं। हंसी में आप चेक कर सकते हैं कितनी मजे की लग रही है और पानी आ रहा है उसको देख के। बहुत आ रहा भाई बेहतरीन। और इसमें फिर ये हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये आप ढकना उठा लिया, अब ये इसकी काटा काट करनी है। कितने टाइम से बना रहे हैं आप ये? तकरीबन 25-30 साल हो गए हमारे। 25। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान ईट मिनी और मैं हूं आसिफ भाई। काफी मुझे कमेंट आ रहे थे कि ब्रेन किस तरीके से बनता है, क्या क्या मसाले डाल रहे हैं, जो घर पे आप लोग बनाते हैं इस तरीके से नहीं बन पाता, बाहर ये लोग किस तरीके से बनाते हैं जो अलग ही जायका होता है, यूनिक जायका होता है। इनसे चल के पूछते हैं। सर आपका नाम? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर जी, सर आप क्या बनाना सिखा रहे हैं फिर? ये मगज बनाना। मगज बना रहे हैं जी जी। मगज में क्या क्या चीजें डालते हैं आप? ये सबसे पहले ये मगज बना रहा हूँ और इसमें ये लहसुन और अदरक डाली गई है और उसके बाद ये टमाटर डालता हूँ। कितने टमाटर डालते हैं एक मगज के अंदर? बस एक होता है, डेढ़ होता है मगज के हिसाब से। अच्छा। और इसको ये थोड़ी देर के लिए दम देना पड़ता है। कितनी देर बंद करना होता है इसको? एक से दो मिनट। एक से दो मिनट। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले? मैं आजाद कश्मीर जिला बाग गांव धुंधार से ताल्लुक है मेरा। अच्छा। हाँ। तो ये आपने वहीं से बनाना सीखा है? नहीं, यहीं कराची में सीखा है। यहीं कराची में सीखा है? कराची। तो कितने टाइम से बना रहे हैं आप ये? ये तकरीबन 25-30 साल हो गए हमारे। 25-30 साल हो गए आपको बनाते हुए। एक मगज बनाने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट लगते हैं? 2 से 3 मिनट। ये आप ढकना उठा लिया, अब ये इसकी काटा काट करनी है। अच्छा, तो ये आप ये कितनी देर कटाकट करना होगा? ये कितनी देर कटाकट करना होगा? ये तकरीबन 1 से 2 मिनट होती है बस। ये टमाटर इसमें हल हो जाए बस। अच्छा, आपकी टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पर? टाइमिंग असर से लेके 3 बजे तक। अच्छा, ये रमजानों में? हाँ। और आम दिनों के अंदर? आम दिनों की ये तो आजकल तो असर से लेके सुबह फजर तक। अच्छा। है ये अब हमने नमक डाल दिया। अच्छा, ये इसमें कुटी मिर्ची है, ये बारीक मिर्ची है। अच्छा, ये काली मिर्ची है, ये जीरा है, ये गरम मसाला है। अच्छा, और ये धनिया है। अच्छा, ये कितना कितना डालना होता है इसके अंदर? बस ये इसके हिसाब से एक एक चुटकी। अच्छा, एक एक चुटकी डाल दिया। ये कौन सा घी है? और इसमें फिर ये हरी मिर्ची, हरा धनिया। भाई वाह, देखने में तो बड़ा मजे का लग रहा है, इन्होंने इस तरह से बना रहे हैं। मेरे भाई जान, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, बड़ी शौक से आते हैं। अच्छा। हाँ। ये ब्रेन जो किसका था, गाय का था बकरे का था? ये गाय का। गाय का? गाय का। हाँ, और ज्यादा मजे का कौन सा बनता है? गाय का ही बनता है, बकरे वाले से ये ज्यादा मजे का बनता। अच्छा, बकरे वाले ज्यादा मजे का होता है? ये बिल्कुल दानेदार हो जाता है, वो थोड़ा सा टूट जाता है अंडे की तरह होता है। अच्छा, वो अंडे की तरह होता है। हाँ। भाई आप देख सकते हैं शक्ल किस तरीके की आ रही है, बड़े सफेद प्लेट थे इधर। शक्ल चेक कर सकते हैं आप किस तरह की शक्ल, आप चेक करें कैसी मजे की लग रही है। और ये अब मगज तैयार हो गया और ये हो गई इनकी प्लेट तैयार। ये और ये तैयार होने के बाद दिखाता हूँ, ऊपर से डाला इन्होंने थोड़ा सा हरा धनिया। ये तैयार हो, ये तैयार हो गई है। अब आप इसकी शक्ल चेक करें, देखने में आप चेक कर सकते हैं कितनी मजे की लग रही है और पानी आ रहा है इसको देख के। तो आप लोग जरूर घर के ऊपर ट्राई करेगा। बहुत आ रहा भाई बेहतरीन। ये खत्म, जितनी तारीफ करूँ मैं कम है। तो आप लोग जरूर ट्राई करेगा, ईद भी है करीब, ईद भी करीब है और रमजान भी है। तो अफ्तार पार्टी में या रमजान के बाद भी आम दिनों में भी घर पे बना सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताएगा कैसी लगी आप लोगों की वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।